इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोग स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं हमारे सामने, स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करने की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस डिफाइन कर देते हैं। बेसिकली मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हमारे दो तरह के वेरिएबल होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, पहला तो होता है लोकल, दूसरा होता है ग्लोबल। और उन्हीं लोकल ग्लोबल का जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी कुछ क्लासेस होती हैं कि हमारे वो वेरिएबल स्टोर कहाँ पर होंगे। एक तो होता है कि स्कोप ऑफ वेरिएबल, अगर मैं स्कोप ऑफ वेरिएबल की बात करूँ कि वेरिएबल कहाँ दिखाई देगा, दे आर ओनली टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फर्स्ट इज़ कॉल्ड द लोकल, सेकेंड इज़ कॉल्ड द ग्लोबल। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज कि वो कहाँ पर स्टोर होंगे, तो इसे हम कहते हैं स्टोरेज क्लासेस। ये हमारे चार तरह की स्टोरेज क्लासेस होती हैं सी में। फर्स्ट इज़ कॉल्ड ऑटो, सेकेंड इज़ कॉल्ड रजिस्टर, थर्ड इज़ कॉल्ड स्टैटिक, फोर्थ इज़ कॉल्ड एक्सटर्न। यहाँ पर हमारे सामने ये चार तरह की हमारी क्या होती हैं क्लासेस होती हैं स्टोरेज क्लासेस। ऑटो जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, दैट मीन्स मैं अगर इसकी बात करूँ डिफ़ॉल्ट इज़ ऑटो, दैट मीन्स ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक स्टोरेज होती है। इसका मतलब क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विदिन द फंक्शन, ऑल फंक्शन डिक्लेयर्ड विदिन द फंक्शन आर स्टोर्ड इन रैम। ये रैम में स्टोर होते हैं, सिंपल वेरिएबल होते हैं, ऑटो नहीं भी लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ही होता है। सेकेंड होता है रजिस्टर, they are stored in the CPU registers, ये CPU registers में अपने आप को सेव करते हैं, ठीक है। और those variables that are required to process very frequently by the program are declared as register. Basically इन्हें register declare किया जाता है। For example मैं अगर यहाँ बात करूँ हमारा looping variable, इसका बहुत अच्छा example होता है। looping variables are basically stored in registers, हम लोग registers में उन्हें store करते हैं। looping variable बहुत ज़्यादा accessible होता है जब वो use में आता है, जैसे मैंने for loop के अंदर use कर लिया। मैं एक एक example करके आपको दिखाऊँगा, तो पहले देख लेते हैं क्या वाकई में ऐसा कुछ है या फिर कोई और बात है। तो हम लोग यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, stdio.h void main एंड सेव कर लेते हैं। मैंने कहा storage.c, तो शुरू करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, लेट सपोज मैंने कहा एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर ऑटो, इंटीजर ए कॉमा बी, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर की। दैट मीन्स अगर मैंने ऐसे करूँ या ना करूँ फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का कि मैंने इन्हें किस तरह से डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो ऑटो भी हमारा एक कीवर्ड ही होता है, जिस लाइक इन फ्लोट कैर वगैरह होते हैं, वॉइड होता है, जैसे ई फैल्स होते हैं, तो ऑटो भी हमारा कीवर्ड होता है। जितने भी ये चार वर्ड मैंने लिखे हैं दीज आर कीवर्ड, ऑटो रजिस्टर स्टैटिक एक्सटर्न, तो ये बेसिकली स्टोरेज क्लासेस के कीवर्ड होते हैं। लाइक हमारा इन फ्लोट कैर जो होता है डेटा टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। तो आगे की बात करते हैं, डेट मीन्स अगर मैं इन वेरिएबल्स को यूज़ करता हूँ तो ये हमारे रैम में जाकर स्टोर होते हैं। मैंने कहा एंटर टू नंबर्स एंड स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी एंड सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन, और मैंने कहा ए प्लस बी। हम देख सकते हैं सिंपल से प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है मुझे, मैं रन करता हूँ ये सिंपली मेरा बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही वर्क करेगा जिससे मेरा सिंपली करता आया है। दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे वेरिएबल यूज़ करता हूँ मैं वो हमारे क्या होते हैं सिंपल ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं। अब बात आती है थोड़ा सा चेंज करने की प्रोग्राम को। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जी, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ एंटर एनी नंबर, और मैंने नंबर ले लिया और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 4i is equals to 0 31 टेबल जनरेट करने का प्रोग्राम है। अब मैं रजिस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर,
यानी का परसेंटेज टी स्लैश एन एंड व्हाट आई इनटू ए, तो ये मैंने ले लिया और मैं रन करता हूँ, बहुत इजीली मेरा प्रोग्राम वर्क करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बात आती है यहाँ पर कि अगर मैं इस ऑटो की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ रजिस्टर, तो आपको एक एरर मिलेगी और वो ये है कि हम रजिस्टर के अंदर ऐसे किसी वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते जो हमारा स्कैनएफ के थ्रू यूज़ होने वाला है, जो हमारा पेंडिंग होता है, क्योंकि रजिस्टर हमारा बहुत कॉस्टली मेमोरी होती है और सीपीयू उस जगह ऐसी वैल्यूज को स्टोर करना पसंद करता है जिन्हें वो बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस करता है। अगर उसने वहाँ ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया जहाँ पर आपको वो इनपुट जो है यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि यूज़र जब देगा तब उसे यूज़ किया जाएगा, तो इन दैट केस हम इसके लिए रजिस्टर क्लास यूज़ नहीं करते हैं। तो रजिस्टर कहाँ यूज़ होती है? यहाँ मैं अगर बात करूँ तो हमारा आई वेरिएबल इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन हमारा दूसरा जो है वो ऑटोमेटिक ही डिक्लेयर होना चाहिए। दैट मीन्स मेरा ए जो है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। नाउ माई प्रोग्राम विल वर्क, रन करते हैं और जैसे ही कि आप देखेंगे बिल्कुल इजीली हमारा वर्क कर गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारा सिंपल सा तरीका था, ये हम लोग इनका डिफरेंस देख सकते हैं रजिस्टर और ऑटो का। ठीक है, और रजिस्टर में हम सिर्फ उसी वेरिएबल को डालते हैं जिसमें आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी एक्सेस होगा जैसे ही लूप एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। और स्कैनअप का मतलब क्या होता है, यूज़र के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है कि यूज़र जब चाहे तब इनपुट दे, मे बी वो 10 मिनट बाद इनपुट दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही इनपुट को हम लोग रजिस्टर में नहीं स्टोर करवाते हैं, रजिस्टर में ऐसे वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट नहीं कराते हैं। तो ये हमारा हो गया रजिस्टर। अब बात करते हैं हमारे अगले वेरिएबल के बारे में जिसका नाम है स्टैटिक। स्टैटिक का केस क्या है, मेरे पास लेट सपोज एक मैं यहाँ पर बता देता हूँ फंक्शन है फन। ठीक है, तो मैं इसी के ऊपर बात करूँगा, पहले मैं नोट तैयार कर देता हूँ कि स्टैटिक हमारा क्या होता है। आर दोज वेरिएबल्स इन द फंक्शन, ये वो वेरिएबल होते हैं फंक्शन के अंदर दैट रिटेन, बेसिकली ये वर्ड यूज़ किया जाता है दैट रिटेन देयर प्रीवियस वैल्यू इन ईच फंक्शन कॉल। आपकी फंक्शन की जितनी भी कॉल होगी ये अपनी पिछली वैल्यू को रिटेन करते हैं। दूसरी चीज़, दे आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, ये सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होते हैं, दूसरी बार इनिशियलाइज नहीं होते हैं, ये इग्नोर कर दिया जाए, दूसरी बार ये सिर्फ अपडेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कैसे, देखते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है ए जिसमें मैंने स्टोर कर दिया 0, एक स्टैटिक वेरिएबल है इंटीजर टाइप बी जिसमें स्टोर कर दिया 0, एंड लेट से मैंने ए प्लस प्लस किया और बी प्लस प्लस किया, सिंपल सा कोड है मेरा। और मैंने दोनों ही वेरिएबल, दोनों वेराइटी, ये हमारा आप कह सकते हैं ये मेरा ऑटोमेटिक वेरिएबल है, आप कहो तो मैं ऑटो भी लिख देता हूँ, जब स्टोरेज क्लास चल रही है तो नाम लिखने में बुराई नहीं है, वरना आप इसे बिना ऑटो लिखे भी कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू परसेंटेज टी सेक्शन एंड बी इज इक्वल टू परसेंटेज टी, बी के आगे मैं स्टैटिक वर्ड यूज़ कर देता हूँ सो दैट मुझे पहचान रहे कि मेरा बी जो है स्टैटिक है, और कोई बात नहीं, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं कैसे भी से। तो देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, वेरी इजीली कॉल कर लेंगे हम, रन करते हैं इसे, और रन करने के बाद आप देखेंगे ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज सेम। अब बात आती है कि अगर मैं इसे दोबारा कॉल करता हूँ तो ये देखिए अब क्या होगा। अब आप इस आउटपुट को देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेरे इस फंक्शन ने क्या किया है, इस बार सेकंड कॉल ने स्टैटिक वेरिएबल को इंक्रीज किया है 2 से, दैट मीन्स स्टैटिक वेरिएबल दोबारा इनिशियलाइज नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारे एक ही बार इनिशियलाइज होते हैं, हर फंक्शन की कॉल पर दोबारा से मेमोरी एलोकेट नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्टैटिक वेरिएबल जो हमारी पिछली वैल्यू को रिटेन करता है। आपका बार बार मैं यहाँ पर दोबारा एक और बार कॉल कर लूँ तो मैं रन करता हूँ, आप देखेंगे कि हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, जिस पर आप देख सकते हैं सारे बढ़ रहे हैं लेकिन ए हमारे बढ़ नहीं रहे, क्यों, क्योंकि ए बार हर बार इनिशियलाइज होता है, हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल हर बार इनिशियलाइज होता है जबकि स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही बार होते हैं वो, और उसके पहली बार जब वो करते हैं तभी इनिशियलाइज होते हैं, उसके बाद तो वो अपनी पिछली वैल्यू को रिटेन करते रहते हैं। दे यूज शेयरेबल,
तो हम यहाँ पर एक्सटर्न के ऊपर आ जाते हैं जो हमारी लास्ट होती है. दीज वेरिएबल्स स्टोर देयर वैल्यूज, स्टोर देयर वैल्यूज इन सम आउटसाइड फाइल. किसी दूसरी फाइल में हमारा डेटा इसमें स्टोर रहता है, उस वैल्यू को हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटर्न की मदद से. देखिए होता क्या है, इसको समझने के लिए बहुत कमाल की चीज़ होती है ये भी हमारी, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कमाल का तरीका. तो जस्ट लेट सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक वेरिएबल ले लिया कैरेक्टर टाइप नेम, और मैंने कहा लेट से 30 मैंने ले लिया, और इंटीजर टाइप ले लिया मैंने लेट सपोज मार्क्स, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ. मैं इनको इनिशियलाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, एंड व्हाट आई वांट मैंने प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ. नेम इज इक्वल टू परसेंटेज एस और जो भी नेम है, एंड लास्ट वन मार्क्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड जो भी मार्क्स हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, नेम और मार्क्स की कहानी हो गई. मैं रन करता हूँ इस कोड को, मुझे पता है मैंने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया, मुझे कुछ गारबेज वैल्यूज यहाँ पर नज़र आ रही हैं. ये कुछ भी हो सकती हैं आपके सिस्टम में, मे भी कुछ डिफरेंट आ सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इनको कुछ वैल्यूज मिल जाए. कहाँ से, मैं किसी दूसरी फाइल से इन्हें यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ. जहाँ पर ये मैंने फाइल स्टोर की है ना, मैं वहीं पर स्टोर करने वाला हूँ, और इसमें मैंने कहा कैरेक्टर टाइप नेम 30 डिजिट का होगा, और मैंने यहाँ पर आकर के अपना नाम लिख दिया, सिंपल सा. और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, मैंने कहा इंटीजर टाइप मार्क्स, और इसमें मैंने दे दिया 99. लेट्स सपोज मैंने ये इस तरह से बना दिया, और मैं इस फाइल को सेव भी कर देता हूँ. मैंने कहा डेटा डॉट सी, कुछ भी नाम दे दीजिए आप, मैंने डेटा डॉट सी के नाम से दे दिया. अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे इंक्लूड कर लेता हूँ. लेट्स सपोज इंक्लूड व्हाट, हमारा सिंपल ही लोकेशन पर है, तो मैंने डेटा डॉट सी कर दिया. मैं अब रन करता हूँ उसे, तो मुझे देखते हैं क्या मिलता है. कुछ भी नहीं मिला मुझे, क्यों, क्योंकि हमने ये अभी वेरिएबल नॉर्मल ही डिक्लेयर कर रखे हैं, इसे कहीं बाहर सर्च नहीं किया जाएगा, किसी दूसरी फाइल में सर्च नहीं किया जाएगा. तो इनके आगे अगर मैं एक्सटर्न कीवर्ड लगा देता हूँ, दोनों के आगे अगर मैं एक्सटर्न कीवर्ड लगा देता हूँ, तो एक्सटर्न का मतलब इन वेरिएबल्स की वैल्यू आप किसी आउटर फाइल में ढूंढिए, जैसे मैंने यहाँ पर जैसे मेंशन की हुई है. एंड लेट्स सी दिस इज़ द यूज़ ऑफ एक्सटर्न कीवर्ड, कि आपकी वैल्यूज़ जो होती हैं किसी दूसरी फाइल से आने लग जाती हैं, आपका डेटा जो है किसी दूसरी फाइल में स्टोर है, और वहाँ से आपका डेटा सारा मैच हो रहा है. कई बार हम यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए भी इस काम को यूज़ कर सकते हैं, कई बार हम अपने सारे के सारे डेटा को एक तरफ स्टोर करके रख लेते हैं और फिर ये काम कर सकते हैं. ये था हमारा स्टोरेज क्लासेस इन सी. ठीक है, आप अपने वेरिएबल्स को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा. आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको. ठीक, थैंक यू.